हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अपने इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। जी गाइस, इनकम सर्टिफिकेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर चाहे आप स्टेट स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हो, MLA स्कॉलरशिप, MP स्कॉलरशिप, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको निकालना ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट आपका डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से निकलता है। जो DC होते हैं आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो IAS ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके ऑफिस से ही इनकम सर्टिफिकेट निकलता है। ठीक है, तो ये बात कन्फर्म है। तो सबसे पहले मैं अपना ओरिजिनल तो नहीं, ओरिजिनल तो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ आज से 3 साल पहले। मैं आपको अपना जेरोक्स वाला जो सेट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ आसाम। ऑफकोर्स आपको पता है मैं आसाम में रहता हूँ। ऑफिस ऑफ द कछर सर्कल ऑफिसर, जो भी आपके सर्कल ऑफिसर होते हैं, सिलचर कछर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आसाम ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑनलाइन आप तो पता है आप लोगों को सब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में ही आप अप्लाई कर सकते हो। अभी तो पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था, लेकिन अभी तो ऑनलाइन में सब चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर आप देख सकते हो, बहुत लोगों को नहीं पता होता सर्टिफिकेट नंबर कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूँ सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्लियर तरीके से आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर की। कई सारी जगहों पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देने के लिए भी बोला जाएगा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस जगह पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भी वहाँ पे डाल देना है। डेट आप देख सकते हो 18/9/2019 को मैंने अप्लाई किया हुआ था, बहुत पहले का है, आज से 3 साल पहले का है। यहाँ पे बात करते हैं एनुअल इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके जो दादू है, यानी कि जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनका नाम यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद आपके पिताजी का नाम मेंशन होगा, आपका एड्रेस डिटेल्स मेंशन होगा। यहाँ पे ये चीज़ें मैं ढक दूंगा टू प्राइवेट रीजंस। उसके बाद आपका जो भी मौजा है, ठीक है, जो भी है, आपका जिला कौन सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। आपका मूल उपाय क्या है, कैसे आप सर्वाइव कर रहे हो, बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, या आप जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। उसके बाद आपका फाइनल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका एनुअल इनकम। एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप गवर्नमेंट, आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, मान लीजिए वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आपके माता पिता नहीं करते हैं जॉब गवर्नमेंट जॉब, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, अगर आपका घर का एनुअल इनकम 4.5 लाख से नीचे है तो ही आप ईशानोदय के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 4.5 लाख से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाई देट। यहाँ पे देखिए मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद मेरे दादू का नाम लिखा हुआ है, विलेज एंड टाउन आपका जो भी होगा, विलेज है, मौजा जो भी होगा, जो भी परगना में आप पढ़ते हो, जो भी सर्कल आपका है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, उस टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस या जो भी आपका जॉब है या प्रोफेशन है, उससे आपका जो भी आ रहा है वो यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है दिस सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ कंसर्न LM रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक नीचे लिखा हुआ है दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और एक बात बता दूँ, सिर्फ यही सर्टिफिकेट नहीं, आपने जो डोमिसाइल निकाला है, एविडेविट निकाला है, इनकम सर्टिफिकेट निकाला है, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। जो कोर्ट से निकलते हैं वो भी सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साल जब आप रिन्यू करेंगे तो फिर से आपको सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सिग्नेचर ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये डिजिटली साइन है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिग्नेचर वैलिड आप देख सकते हो, लिखा हुआ है डेट 18/9/2019 को साइन हुआ था। ठीक है, उसके बाद लोकेशन आप देख सकते हो, रीजन देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिया है। उसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मैं आप नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा इनकम सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखा दिया, और ये पहले साल का इनकम सर्टिफिकेट है जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था ईशान उदय स्कॉलरशिप में। ठीक है, और इससे पहले मैंने ऑलरेडी मेरा अपना स्टूडेंट बोनिफाइड सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग इनकम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मैं जो मैंने पहली बार अप्लाई किया था 2019 में, उनकी वीडियोज ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और जो फाइनल ईयर के थे उनके तो बहुत पहले बना चुका हूँ। ठीक है, तो आई आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा।